लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। राजधानी के शाहजहानी पार्क में 10 दिसंबर से नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि विद्वान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं की गई है। उनका आरोप है कि उनको सरकार ने न केवल फॉलन आउट करके नौकरी से निकाला है, बल्कि जो बच गए थे उनका 8 माह से जानबूझकर वेतन रोक रखा है, ताकि अतिथि विद्वान आर्थिक रूप से टूट जाएं और आंदोलन अधिक दिन जारी न रह सके। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा के मीडिया प्रभारी डॉक्टर JPS चौहान और डॉक्टर आशीष पांडे ने बताया कि जल्द ही अतिथि विद्वान दिल्ली जाकर राहुल गांधी तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही उनकी दुर्दशा की जानकारी पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी ओर महीनों से कड़ाके की ठंड में बैठे अतिथि विद्वानों को जन समर्थन भी मिल रहा है। साथ ही अतिथि विद्वान रोजा और उपवास रख कर भी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। सरकार से बार बार हम एक ही अपील कर रहे हैं कि हमें 45 दिन हो गए हैं इस धरने में, बहुत बुरी हालत में हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, ठंड सर्दी गर्मी, और तो और ये आग लगा दी गई यहाँ पंडाल में, उस आगजनी से भी जैसे तैसे बचे हुए हैं। तो सरकार चाहती क्या है, आखिर सरकार की मंशा क्या है, एक बार आके खुल के मंच से क्यों नहीं बोलते सरकार के लोग, आकर यहाँ बता दीजिए हमें कि करना क्या है, कितने लोगों का बलिदान चाहिए। हम यहाँ एक एक करके बलिदान देने के तैयार बैठे हैं, आप बताइए कितने लोगों की बलि चाहिए। यहाँ पर उतने लोग बलि देंगे, पर हमारा नियमितीकरण होना चाहिए, और हम जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को अब जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हमको पूरे 45 दिन हो चुके हैं यहाँ धरना स्थल पर। माननीय हम बहनों को आप मजबूर मत करिए कि हम उस स्तर पर उतर आए कि आपको जवाब देना मुश्किल हो जाए। कृपया आप हमारा जल्दी से जल्दी निराकरण करिए। नियमितीकरण का जो वादा किया था 17.22 पर, आप उस पर खड़े उतरिए, वरना ये आंदोलन और उग्रत होता जाएगा। आप हमको अब पीड़ा दे रहे हैं एक तरीके से। हम अपने बच्चों को छोड़कर अपने बच्चों को यहाँ पंडाल में लेकर बैठे हुए थे दिनों से, ठंड निकल गई, बारिश निकल गई, आग लग गई हमारे पंडाल में, और कितनी वेदना सहन करना बाकी है। महोदय, आप अपने वचन को पूरा करिए, हम आपसे निवेदन करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं। हम मेरा नाम रकीब अहमद है, मैं लाइब्रेरियन के पद पर था, और अभी दिसंबर में हम लोगों को बाहर कर दिया है। 20 वर्ष की सेवाएं लेने के बाद, हमारा अनुभव लेने के बाद, और हमारा दोबारा कॉलेज चलाए जा रहे थे, और आज जो है गीता और कुरान की तरह इनका पवित्र, इनका वचन पत्र 17.22, इसकी बुनियाद पर हम लोगों ने जी जान मेहनत करी पूरे प्रदेश में। हमने और हमारे साथ ही अतिथि विद्वानों ने कांग्रेस सरकार लाने के लिए पूरा प्रयास किया, और लोगों ने दुआएं की, प्रार्थनाएं की, रोजे रखे, सब कुछ करा, लेकिन आज इसी कांग्रेस ने फिर से हमें रोजे रखने को मजबूर कर दिया। रोजे रखो कि इनके सामने भूख हड़ताल हमारे भाइयों ने करी, कि हम अल्लाह के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसके सामने भूख हड़ताल यानी कि समझ लो अर्श का पाया हिल जाए, बड़ी मुसीबत का काम है। तो अब तो उसके सामने भूख हड़ताल हमने कर दी है, और हमें उस बार इस पर विश्वास है, जिन्होंने तख्त दिया है वो तख्त से उतार सकता है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।